जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके सपने YouTube चैनल रेल है तो देश है के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली से लेकर के मुंबई तक का जो सबसे सुगम और सबसे छोटा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है। यहाँ पर हम लोग कुल यहाँ पर 3 रेलवे रूटों को यहाँ पर देखने वाले हैं और उनको दोस्तों हम लोग यहाँ से करेंगे कंपेयर कि जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला सबसे जो छोटा रेल मार्ग है वो कौन सा यहाँ पर साबित होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो 3 रेलवे रूट हैं उनको यहाँ पर पूरे विस्तार से यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने दोस्तों रखने वाले हैं। तो आप लोगों को दोस्तों हम लोग यहाँ पर खुद ही दिखाएंगे पूरे तमाम जानकारियों के साथ कि ये कौन सा जो रेल मार्ग है वो सबसे छोटा और सबसे शॉर्ट निकल करके आता है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। जो पहला जो रेल मार्ग है हमारा वो निकलता है नई दिल्ली से, नई दिल्ली से जाता है निज़ामुद्दीन और निज़ामुद्दीन से जाता है पलवल और फिर पलवल से जाता है ये मथुरा। मथुरा तक तो कॉमन रेल रूट आई जाते हैं और फिर मथुरा से ये जाता है सीधा आगरा कैंट और आगरा कैंट से जाता है सीधा ये ग्वालियर जंक्शन। अब थोड़ा सा और आपको मैं डीपली समझाता हूँ। ये जाता है फिर इसके आगे झांसी, झांसी से जाता है बीना, बीना से जाता है भोपाल और भोपाल से जाता है इटारसी। यहाँ से जो ये रेल मार्ग है वो जाता है सीधा खंडवा और खंडवा से जाता है भुसावल, भुसावल से जलगांव के रास्ते ये जाता है मनमाड़, मनमाड़ से नासिक और इगतपुरी कल्याण होते हुए ये रेलवे रूट मिल जाता है मुंबई सेंट्रल से, यानी कि मुंबई CSMT में ये जो रेलवे रूट है वो मिल जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में। तो इस रूट की कुल लंबाई दिल्ली से भोपाल और भुसावल के रास्ते सीधा CSMT तक है कुल दोस्तों 1534 किलोमीटर की, ठीक है, यानी कि 1534 किलोमीटर की। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो दूसरा जो रेल मार्ग है जो नई दिल्ली से निकलता है और मुंबई के स्टेशन को जोड़ता है उसके बारे में। तो जो दूसरा जो रेल मार्ग है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आता है, वो निकलता है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। जो दूसरा रेल मार्ग है वो भी यहाँ से निकलता है नई दिल्ली या निज़ामुद्दीन से और वो जाता है सीधा दोस्तों मथुरा, मथुरा से जो ये रेल मार्ग है वो जाता है सीधा भरतपुर और भरतपुर से जाता है सीधा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के रास्ते जाता है ये कोटा जंक्शन और कोटा से आगे जाता है नागदा जंक्शन फिर रतलाम जंक्शन और रतलाम जंक्शन से आगे जाता है ये सीधा वडोदरा, वडोदरा से आगे जाता है भरूच और भरूच से आगे सूरत वापी वलसाड़ और उसके आगे ये बोरीवली के आगे सीधा मुंबई में मिल जाता है लोकमान्य तिलक दोस्तों टर्मिनस में जा कर के मिल जाता है ये रेल मार्ग। अब यहाँ पर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 1377 किलोमीटर यानी कि 1377 किलोमीटर। अब जो तीसरा हमारा जो रेल मार्ग है वो नई दिल्ली से जो कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन से मुंबई को जोड़ता है वो है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। इस रेल मार्ग का जो शुरुआत है वो होती है दिल्ली सराय रोहिला से, तो ये जाता है सीधा दिल्ली कैंट गुड़गांव होते हुए सीधा रेवाड़ी जंक्शन, रेवाड़ी से ये जाता है अलवर और अलवर के बाद जाता है बांदीकुई जयपुर, जयपुर के बाद जाता है अजमेर और अजमेर के बाद मारवाड़ जंक्शन होते हुए सीधा फालना, इसके रास्ते जाता है ये दोस्तों आबू रोड और आबू रोड से ये निकलता है महेसाना से अहमदाबाद और ये अहमदाबाद से मिल जाता है वडोदरा जंक्शन में और उसके बाद तो ये रेलवे रूट भरूच सूरत वलसाड़ वापी बोरीवली होते हुए सीधा मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस या बांद्रा टर्मिनस को चला जाता है। तो इस रेल मार्ग की कुल लंबाई हो जाती है 1433 किलोमीटर। तो यहाँ पर अभी हमने देखा जो रेल मार्ग दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जो रेल मार्ग दिल्ली से भोपाल और भुसावल के रास्ते जाता है उसकी कुल लंबाई है यहाँ पर 1534 किलोमीटर और जो नई दिल्ली से दोस्तों सवाई और रतलाम वडोदरा के रास्ते जाता है उसकी कुल लंबाई यहाँ पर है दोस्तों 1377 किलोमीटर और जो रेल मार्ग दोस्तों वाया अलवर और जयपुर अजमेर जाता है और जो अहमदाबाद के रास्ते जाता है उसकी कुल लंबाई है यहाँ पर 1433 किलोमीटर। तो इस हिसाब से जो सबसे छोटा रूट हुआ वो हुआ यहाँ पर सवाई माधोपुर वाला जिसकी कुल लंबाई 1377 किलोमीटर है। अगर हम लोग यहाँ पर तुलना करें सबसे बड़े रूट से तो ये करीबन 157 किलोमीटर छोटा रूट है। तो सबसे ज़्यादा प्रेफर यही करना चाहिए कि आप दोस्तों मथुरा से सीधा सवाई जाएँ, सवाई से सीधा कोटा और कोटा से जाएं नागदा रतलाम होते हुए सीधा वडोदरा, और वडोदरा से भरूच सूरत होते हुए आप लोग सीधा बोरीवली के रास्ते मुंबई निकल जाएं। ये रेलवे रूट 157 किलोमीटर छोटा है और ये नई दिल्ली मुंबई मेन लाइन भी है। यहाँ पर गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके हमको ज़रूर से बताना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।